ये क्या क्या होता है तुम्हारे घर में जी, कितना शर्म भी आ रही है देखने में, हद कर दी बिल्कुल। ये प्रिंस का दोस्त है, पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ रहेगा, फिर इसलिए उठाकर भाई भाई बोलते हैं इसको। अरे मेम साहब मेरा तो काम हो गया, मैं तो निकलती हूँ। अरे अभी झाड़ू पोछा तो रहता है। अरे मेम साहब आज मुझे घर में ना बहुत जरूरी काम है, आप मुझे जाने दो प्लीज। मैं तो निकलू, ये मेरे साथ कुछ ना गलत करते हैं। अरे यार ये तो चली गई, वो घर का काम मैं कैसे करूंगी, ये भी ना जी, यार ये भी ना। देवर जी आपका नाश्ता लगाना है। हाँ भाभी कुछ बात करनी है आपको। आप क्यों मार रहे हो मुझे? भाभी हाँ कम आ रहा हूँ, बोली ना क्या हुआ? तुम तो किचन में आना, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है आप चलिए मैं आता हूँ। मैम साहब खाने में क्या बनाना है? मैम साहब आपने मुझे क्यों मारा? क्या हुआ थप्पड़ क्यों मारा इसे तूने? खाना नहीं बनाया प्रिंस, देखो इसने अभी तक, अब देखो ना इसकी माँ भी चली गई यहाँ से। माँ चली गई? हाँ वो उसने कुछ गलत देख लिया था, वो बताऊंगी। तुम पहले अपने उस दोस्त को बाहर निकालो यहाँ से, इस घर में नहीं रहना चाहिए वो। मेरे दोस्त को क्यों निकालू, पागल हो गई है? मेरे भाई जैसा है वो, तुझे पता ना गांव से यहाँ आया बेचारा, कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी उसकी, दो चार पैसे कमा लेगा, उसके घर वाले परेशान है उसे यार। तुम्हारे भाई जैसा है, उसने मुझे अपनी भाभी समझा, जब देखो आंख मारता रहता है मुझे। अरे आंख नहीं मारता है वो बाबा, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, वो इलाज करवाएंगे तो सही हो जाएगा बेचारा। अब दो चार पैसे कमाने हैं इसलिए गांव से शहर आ गया, अब यहाँ पे होटल वगैरह में रहता तो पैसा लग जाता, इसलिए मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गांव में पड़ोसी था हमारा तो सोचा कि यहाँ पे रह लेगा तो सही है ना, इतने कमरे हमारे घर में, एक कमरा उसको दे दिया। सिर्फ आँख में प्रॉब्लम नहीं है उस साले की, तो दिमाग में भी प्रॉब्लम है, अभी बता वो बेड पे क्या कर रहा था, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अंकिता क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ बताओगी मुझे, ऐसा क्या कर दिया उसने? थप्पड़ इसलिए मार दी क्योंकि उसका गुस्सा था और इस पर निकल गया। अंकिता प्लीज उसके बारे में कुछ मत बोलो यार तू। क्या हुआ भैया, भाभी कुछ बोल रही है क्या? वैसे भैया आपको ना एक बात बतानी थी, मैंने भाभी के लिए ना अंदर एक तोहफा रख रखा है, वो क्या है ना भाभी जी का जन्मदिन आने वाला है ना, इसलिए मैं बस अंदर उसी पे काम कर रहा था। अच्छा देखा तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, बेचारा तोहफे का इंतजाम कर रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हारा जन्मदिन है दो तीन दिन बाद, तुम बिना फालतू में शक करती हो। अरे इसे लगा कि तुम इसे आंख मारते हो, पर इसे पता नहीं है ना कि तुम्हें प्रॉब्लम है उसकी। अरे यार समझा करो ना अंकिता तुम भी। अरे चलो बात को बढ़ाना नहीं है, चलो सॉरी बोल दो एक दूसरे को। अरे भैया मैं क्यों सॉरी बोल दूं, मैंने क्या किया है जो मैं सॉरी बोल दूं? तुम क्यों सॉरी बोलो, तुमने मुझे आंख नहीं मारी अंदर, और क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे अंदर। कोई बात नहीं अंकिता सुनो, मुझे ना दोस्त के घर जाना है, आज उसकी सगाई है तो जाना जरूरी है, सोचेगा कि सगाई में आया नहीं, अभी 10-15 मिनट ही वहाँ पे रुकूंगा, लेकिन ऑफिस भी जाना है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं निकल ही लेता हूँ अभी, है ना, लेट हो जाऊंगा नहीं तो। चलो ठीक है मैं निकलता हूँ, और तुम भी आज के दिन जितना मजे करना है कर लो, कल इंटरव्यू देने जाना है, फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और गांव में पैसा कमा के भी देना है घर वालों को। हाँ भैया वो तो है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए मैं कर लूंगा। ठीक है जाओ तुम अंदर जाओ, जो इंतजाम कर रहे थे वही करो, आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी जाता हूँ मैं। अरे भाभी जी ये तो मेरी आदत है ना ऐसे आंख करने की, आपने गलत सोच रही हो, मैं आपको आंख नहीं मार रहा हूँ। मैंने सब देख लिया था तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं, ऐसी हरकतें ना अपने घर पे क्या करो, यानी हम इज्जतदार घर आने से। अरे भाभी जी आप गलत सोच रही हो। कोई बात नहीं जाओ तुम, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चाय तुम्हारे कमरे तक पहुँच जाएगी, तुम 4 दिन के लिए रहने आए हो, ढंग से रह लो। ठीक है भेज देना जाता हूँ। भाभी मैं चाय बना देता हूँ जब तक। भाभी मुझे क्यों मार रही हो? मम्मी तुम्हें सहन करे क्या, तुम्हारी माँ भी निकल गई यहाँ से, फिर तुम भी देख लिया करो यार। भाभी एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, आप उसको गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रही हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, कुछ और बात है। भाभी आपने उसे नंगा देख लिया क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे भाभी बोलते हो, मेरे सामने ऐसी गंदी बातें करते हो? भाभी मुझे लगा आपने उसे ऐसा देखा होगा जब भी मैंने बोला, वैसे आप इतनी परेशान रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम परेशान नहीं देख सकते मुझे और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो मेरे आगे। भाभी मैं तो आपकी भलाई के लिए सोच रहा था, चलो कोई बात नहीं, चुपचाप अपना काम करो, अपना फालतू की बातें मत सोचो। ठीक इसको छोड़ो, उसको देख कर आती पहले, प्रिंस तो उससे घर से बाहर निकालेंगे नहीं, मैं ही निकालती हूँ। तुम्हारे लिए खाना लगा दो, अब तुम बाहर।
जी तुम क्या कर रहे हो? भाभी जी आप यहाँ बोलिए, कुछ काम था मेरे से। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है जो तुम कर रहे हो, हंसने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अरे भाभी जी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपको ना पसंद आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पसंद आएगा? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये बात तुम्हें प्राउड की लग रही है? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये आपका ना बर्थडे का सरप्राइज है और आपको इसे देख के ना बहुत खुशी मिलेगी, आप मेरी बात समझिए सच में। मैं काम करो, मेरे बेडरूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बेडरूम में? अरे भाभी जी बेडरूम में ऐसा क्या करना है? ये हंसो मत मेरे आगे समझे, तुम जाओ बेडरूम में आओ। मैं क्या कह रहा था भाभी जी, आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? मतलब आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकती हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और जो तुम ये फालतू ख्याल ला रहे हो ना अपने दिमाग में, इसे बंद कर दो। अरे भाभी जी मैं तो ये कह रहा था कि आपको मतलब किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे को बेहिचक बता सकती हो, क्या पता वो चीज मैं आपको दे दूं। और एक चीज और बताना चाहता था भाभी जी, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना ये आपके लिए कर रहा हूँ, और आप जब इसे देखोगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मुझे ऐसी कोई घटिया चीज नहीं चाहिए समझे तुम? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मेरा पति तुम्हें भाई मानता है, वो तो तुम्हें घर से बाहर निकालेगा नहीं, और मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती। ठीक है आता हूँ। क्या हुआ भाभी, आप इतनी चिल्ला क्यों रही थी? रामू तुझे इतना मारा फिर भी तू यहाँ आ गया, बोला था ना वहीं रह काम कर। क्या करूँ भाभी, भैया ने बोला है आपका ख्याल रखने के लिए, मैं छोड़ नहीं सकता ना आपको ऐसे। वहाँ वो गंदी हरकतें कर रहे और यहाँ तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आपको परेशान कर रहा? कौन परेशान कर रहा आपको? तब खुद ही देख लो अंदर जाकर। छी छी छी, इसलिए भाभी परेशान थी ये देखकर, इसलिए मुझे सुना दिया उन्होंने। भाभी सही गुस्सा कर रही थी आप, ये बंदा कैसा है, तक गंदा बंदा। इसलिए तो गुस्सा कर रही थी मैं, और तुम पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, और पता क्या कह रहा था कि आपके लिए कुछ इंतजाम करो, देखो ना कितनी घटिया सोचा इसकी। पता नहीं भैया का कैसे दोस्त बन गया ये। कोई नहीं, दो चार दिन के लिए ही है ना यहाँ, करने दो उसको जो कर रहा है, हम इसको अपने आप से दूर रखेंगे। खाना वाना ही देना होगा ना, तुम जाकर दे देना, मैं इसके कमरे तक नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी मैं ही दे दूंगा खाना। घटिया सोच बना रही हूँ क्या करूँ, बदतमीज है यार, मेरे सामने कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, दो चार दिन के लिए आया मेहमान है, झेल लेती हूँ, पर ऐसे में कोई करता है क्या? हाँ भाभी आपने बुलाया मेरे को, बोलिए क्या हुआ? बुलाया था जी, क्या हरकतें कर रहे हो तुम मेरे घर पे? भाभी मैंने क्या किया ऐसा? ज्यादा भोले मत बनो, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। अरे भाभी आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो ज्यादा भोले मत बनो और मुझे आप मत मारो ये। अरे भाभी जी ये तो मेरी आदत है ना, आपको तो पता है ये आप मेरी ऐसी रहती है। आदत है जो तुम कर रहे हो ना अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम्हारे क्या इंटेंशंस है मुझे लेकर, अंदर क्या कर रहे थे बताते हो या प्रिंस को बताऊं? नहीं नहीं भाभी आप भैया को फोन मत कीजिए, देखिए मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपके लिए ना सरप्राइज है, अगर मैंने आपको भी बता दिया ना तो आपका पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा, और उस पर ना मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन हाँ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, और वो सरप्राइज ना आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो जो कुछ भी है ना आपके लिए ही है। मुझे ना तुम्हारे दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रखो, बस तुम मुझे बख्श दो और इस घर से निकल जाओ। अरे भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो, आपके लिए इतनी मेहनत से वो तैयार कर रहा हूँ, आप ऐसे बोल रही हो मुझे। इधर बैठो। ठीक है बैठता हूँ। जी भाभी जी बोलिए। देखो तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है, अब तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, और तुम उन्हीं के घर पे आके ये सब कर रहे हो। मैंने क्या किया ऐसा जो आप मेरे को ये सब बोल रही हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ना। क्यों भाभी आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? तुमने क्या कर दिया सब कुछ ना मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, तुम्हें पता है तुमने क्या किया और क्या नहीं, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो वो भी मैं जानती हूँ। अरे भाभी जी आप बात को समझिए ना, मैं आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, और वैसे भी
मेरे पास तो ना पैसे भी नहीं थे, मैंने दोस्तों से ना पैसे उधार मांगे ताकि आपके जन्मदिन वाले दिन ना किसी चीज की कमी ना रहे। आपके जन्मदिन वाले दिन ना मैं आपको वो चीज दूंगा और आपको ना बहुत खुशी होगी, मैं सच कह रहा हूँ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भाभी हो तुम्हारी, ये सब बोलते हुए तुम्हारी जुबान कांपनी चाहिए। देखो ऐसे घटिया इंसान को ना घर रखना ही नहीं चाहिए था। सच कहते हैं लोग, उनके रिश्ते ही अवधि होते हैं। जिनको ऐसे मुंह बोला भाई बना दो ना, वो सगे भाई कभी नहीं बन सकते। अरे भाभी जी पैसे की क्या बात है, पैसे तो मैं कमा लूंगा, लेकिन मैं जो कुछ भी तैयार कर रहा हूँ ना अंदर, वो सिर्फ आपके लिए है और आपको ना उसे देखकर बहुत खुशी मिलेगी, मैं सच कह रहा हूँ। आप बस अपने ना जन्मदिन तक का वेट करो, फिर मैं देखो आपको जन्मदिन पे ना वो दूंगा। ये पैसे तुम मुझे होटल ले जाने के लिए कर रहे हो ना, ताकि तुम मुझे होटल ले जा सको और वो सब कर सको। अरे वो सब करने के लिए होटल में क्यों जाना है, हम वो सब तो यहाँ घर पे भी कर सकते हैं ना, और जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ वो आपको यहीं पे दे दूंगा, होटल में क्यों दूंगा। अब खोले बनने से ना कोई फायदा नहीं है, ये जो तुम्हारी भोली सी शक्ल के अंदर एक काला सच छुपा था ना, सब पता चल गया मुझे, और तुम्हारी इस गंदी नीयत के बारे में भी। तो रुको, तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाला ना तो फिर देखना तुम। भाभी जी आप मेरे बारे में कितना कुछ गलत सोचती हो, मैं तो आपके लिए कितना कुछ सोच रहा था, आपको जन्मदिन वाले दिन वो चीज़ आपको दूंगा, आप बहुत खुश हो जाओगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने दोस्तों से पैसे उधार मांगकर आपके लिए वो चीज़ तैयार करी, लेकिन आप मेरे को शाबाशी देने की बजाय मेरे को इतना भला बुरा सुना रही हो। मैं तो आपके लिए कितना अच्छा अच्छा सोचता था, लेकिन आप तो ना बहुत गंदी हो, मेरे तो थप्पड़ भी मार दिए जब मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्या हो गया, क्या तमाशा लगा रखा है ये, इतने चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो तुम बाहर तक। बहुत हो गया अब इसका, इसको यहाँ घर से निकालो वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब तो या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। क्या बोल रही हो, घर से बाहर निकालो, तुम्हें पता है ना वो बेचारा गरीब है, घर से यहाँ पे आया बेचारा नौकरी लग जाएगी, दो चार दिन रह लेगा तो क्या हो गया यार। अरे पुनीत क्या कर दिया ऐसा तुमने, तुम्हारी भाभी इतनी परेशान हो गई है और ये भी कुछ बता नहीं रही है ढंग से। भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ भाभी के लिए अंदर कुछ इंतजाम कर रहा था, लेकिन भाभी ने उस बात को लेकर मेरे को दो थप्पड़ भी मारे, मेरी क्या गलती है, जब देखो भाभी मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, किस चीज का इंतजाम कर रहे थे ये तो बताओ प्रिंस को। अरे भैया मैं आपको नहीं बता सकता, आप समझिए ना वो भाभी के लिए सरप्राइज है, मैं टाइम आने पर ही वो बताऊंगा भाभी को, लेकिन भाभी को ना वो बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं भी नहीं बता। क्या हो गया अंकिता, क्या दिक्कत है, क्यों मारा तुमने उसे, तुम्हें पता है ना दो चार दिन यहाँ पे रहने के लिए आया फिर भी तमाशा कर रही हो, सुबह भी मना किया तुम्हें, आंख मारने पे गुस्सा हो गई हो ना, वो प्रॉब्लम है उसकी आंखों में यार। बकवास कर रही है, अंदर मैंने देखा इसको क्या कर रहा था। अरे यार बताओ तो सही अंकिता, बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं तुम्हें अकेले में बता दूंगी क्या बात है और क्या नहीं है। अकेले में क्या बताना, अभी बता दो ना यार, सुन तो रहा हूँ मैं। नहीं भैया आप भी ने बोलिए भाभी को कि जो कुछ भी बताना है ना मेरे सामने ही बताएं, वैसे भी भाभी ने ना सुबह से मेरे को बहुत परेशान करा और बहुत मारा भी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, पता नहीं किस बात को लेकर सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को बार बार धमकी भी दे रही थी कि तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, अगर आपको मेरे इस घर में आना पसंद नहीं है ना तो आप मेरे को साफ बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। देखो तो कितना भोला बन गया ये, इसकी शक्ल से लगता है कि ऐसी हरकतें करता होगा, भाभी हूँ मैं इसकी, और न जाने क्या क्या बोल रहा था मुझे, इंतजाम करना है आपके बर्थडे पे वो दूंगा, न जाने क्या क्या। फ्रेंड्स मैं सच कह रही हूँ, अगर तुमने इसको घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। अरे क्यों जाना घर छोड़कर, पागल हो गए हो, तुम भी दिमाग खराब कर रहे हो तुम भी। देखो अंकिता आपस में बात कर लो, जो भी है उसे सुलटाओ। कितना ऐसा भी तो हो सकता है वो क्या तो रहा, हो सकता है तुम्हारा तुम्हारे लिए कोई तोहफा देना चाहता हो, अभी तुम्हारा जन्मदिन है ना कुछ दिन बाद। भाभी जी अगर आपको सच में मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है ना तो मैं चला जाता हूँ इस घर से बाहर, वो तो भैया ने मेरे को बोला था कि तू होटल में रहेगा तो वहाँ पे तेरे पैसे वगैरह लगेंगे, तो तू यहाँ घर पे रह ले, यहाँ पे तेरे को घर का अच्छा खाना भी मिलेगा और भाभी से भी इसी बहाने तेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मेरे को थोड़ी ना पता था कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ यहाँ से। भैया
मैं चला जाता हूँ, भाभी को सच में मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। यार देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम दोनों लड़ रहे हो आपस में बिना मतलब के। तुझे मैं भाई बोलता हूँ और ये मेरी बीवी है, आपस में लड़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्या हो गया जो मुझे नहीं बताना चाहते तुम लोग? बस कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा घर तो धर्मशाला है ना, किसी को भी उठा कर ले आते हो कभी भी, तो रखो जिसे मर्जी रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाभी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आपको मेरा यहाँ रहना ही पसंद नहीं है, मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। देखो प्रिंस, ये हरकतें हैं तुम्हारे भाई की, ये सब करता है ये। पुनीत, पुनीत। क्या भैया? क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं। पुनीत दिखाए क्या है? अरे भैया समझा करो, वो भाभी के लिए कुछ सरप्राइज है, मैं उन्हीं को दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ दिखाओ वरना एक चांटा लगूंगा खींचकर। रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये था भैया, ये मैंने भाभी के जन्मदिन के लिए ये आईफोन लिया था ताकि मैं भाभी को ये सरप्राइज दे सकूँ, और इसी को मैं कब से खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये है कि खुल ही नहीं रहा, देखिए ना। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैंने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए ताकि भाभी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकूं। तो ये गिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा था बस। ये कर रहे थे तुम, और मुझे लगा कि तुम, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया, बेचारे को मार भी दिया और सुनाया भी कितना। इसलिए कहते हैं अंकिता, कोई भी रिएक्शन देने से पहले ना, किसी भी बात पे फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, उसकी असलियत जानना बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसे सुना नहीं देना चाहिए, तुमने उस पर हाथ भी उठाया, वो बेचारा तुम्हारे लिए सोच रहा था, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने जहां से पैसे अरेंज किए, मैनेज किए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि वो तुझे आईफोन गिफ्ट कर सके। लेकिन तूने क्या किया, इतनी सी बात के लिए उसे सुना दिया, सच जानने की कोशिश नहीं की। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले, किसी को भी सजा सुनाने से पहले एक बार जान लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं, असली जानना बहुत जरूरी होती है, वरना ये जो गलत फहमियां होती है ना, ये रिश्ते खराब करती हैं। पुनीत आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाई, मैं भी इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। दोस्तों यार आओगे शेयर का बटन, वीडियो गर्ल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, और पेज को फॉलो कर देना प्लीज प्लीज, खूब सारा सपोर्ट दिखा दो अपना, प्लीज शेयर कर दो प्लीज, खूब सारा प्यार कर दो, लव यू ऑल।